हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल है। मैं आज आपको स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी सर्विस, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप अपने विंडो को वॉइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, वो विंडो आपके वॉइस के थ्रू कंट्रोल होगा। विंडो को आप चाहें तो बिना माउस के, बिना कीबोर्ड के आप ऑपरेट कर पाएंगे। आप बोलेंगे स्टार्ट तो सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। आप बोलेंगे शट डाउन तो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो इस वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कैसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 को अपनी आवाज़ के थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे। सो कैसे करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आपको स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को कॉन्फिगर करना पड़ेगा। स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा? स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, यहाँ आपको एसेसरीज़ के अंदर जाना है, देन ईज़ ऑफ एक्सेस। ईज़ ऑफ एक्सेस में विंडो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर मिलेगा। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है। अप्रॉक्सीमेटली ये 20 से 25 मिनट का टाइम लेगा कॉन्फ़िगर होने में। इसके इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है, देन आपको जैसे जैसे ये बोलता है वैसे करना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो मेरे पास अभी जो माइक है वो डेस्कटॉप, यानी माइक्रोफोन, हमारा डेस्कटॉप माइक्रोफोन है, तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन सेलेक्ट करेंगे, अदर माइक है तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ माइक्रोफोन HD ऑडियो डिवाइस। अब यहाँ पर क्या है, आपको रीड करना है जो यहाँ पे लिखा है ब्लैक बोल्ड लेटर्स कैरेक्टर्स में। जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आपको बोलना है। मैं स्टार्ट करता हूँ। पीटर डिक्टेट्स टू हिज कंप्यूटर, ही प्रेफर्स इट टू टाइपिंग एंड पर्टिकुलरली प्रेफर्स इट टू पेन एंड पेपर। नेक्स्ट इनेबल डॉक्यूमेंट रिव्यू। नेक्स्ट वॉइस एक्टिवेशन मोड। नेक्स्ट 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 ट्यूटोरियल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, इससे आप अच्छी डिटेल जान सकते हैं बेसिक चीज़ें। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ये स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट फिलहाल ये अभी पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है, तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए अभी इस पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, इम्प्रूव वॉइस रिकॉग्निशन क्लिक करेंगे, देन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करना है आपको। आई एम नाउ स्पीकिंग टू माई कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज लर्निंग द साउंड ऑफ माई वॉइस एज आई स्पीक, दिस विल हेल्प द कंप्यूटर बेटर रिकग्नाइज वॉट आई से। स्पीच रिकग्निशन कैन रिकग्नाइज मेनी स्पीकर्स वेरी अक्यूरेटली, बट ट्रेनिंग द कंप्यूटर विल प्रोवाइड एन इवन बेटर एक्सपीरियंस। Insert to insert a letter. Just say okay when you get the word you want. The computer will learn from the correction. The computer will be unlikely to make the same dictations mistake again. Another way to improve your dictation experience is to learn advanced commands. If there are two instances of the word apple in the document and say select apple and you say select apple, you will see that each instance of the word apple has a box over it. To select the word you want, say the number of the word followed by OK. If a menu appears and you want to get rid of it, simple say cancel to dismiss the menu.
टू स्क्रॉल डाउन द पेज इन अ डॉक्यूमेंट जस्ट से स्क्रॉल डाउन. इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द प्रोग्राम यू वॉन्ट टू स्विच टू जस्ट से स्विच एप्लीकेशन. You can then choose the one you want from the list of the on the screen. This concludes the tips for a speech recognition training session. To read about more tips, look in the help documentation for a speech. So, इस speech recognition training में आपने देखा ये complete हो चुकी है. इसमें जो मैं ये पढ़ रहा था, जैसे जैसे मैं इसको करेक्टली पढ़ रहा था वैसे वैसे नेक्स्ट चीज़ आपके अगले उसमें आ जा रही थी, नेक्स्ट होता जा रहा था. अगर आप गलत पढ़ते हैं तो वो नेक्स्ट नहीं होगा. जितना वॉइस आपकी क्लियर होगी, आपका माइक प्रॉपर्ली होना चाहिए और आपके माउथ से एक इंच दूर होना चाहिए जब आप इस डिक्टेशन को पढ़ रहे हों. ये इसलिए रिकॉर्डिंग है ताकि कंप्यूटर आपकी वॉइस को अच्छी तरीके से समझ पाए. जब कंप्यूटर आपकी वॉइस को अच्छी तरीके से समझ पाता है तब वो आपके अकॉर्डिंग काम करता है. तो यहाँ पर मैंने जो ये कॉन्फ़िगर किया है इस टेक्निक में, ये स्पीच रिकॉग्निशन ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसमें मेरे वॉइस को कंप्यूटर ने अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लिया है. अब रिमेंबर होने के बाद ये कंप्लीट ऑप्शन आ गया, ट्रेनिंग स्पीच रिकॉग्निशन ट्रेनिंग इज कंप्लीट. नेक्स्ट करूँगा देन अब यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन. मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी वॉइस के थ्रू. फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट मेनू खोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा स्टार्ट स्टार्ट. यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्टार्ट. कंट्रोल पैनल लॉग ऑफ. स्विच एप्लीकेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल. यानी कि अगर आप इसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके कुछ और ट्रेनिंग पार्ट्स को ध्यान करेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्रेनिंग्स को, डॉक्यूमेंटेशन को, तो और अच्छे से ये आपको अंडरस्टूड कर पाएगा कंप्यूटर. इसको मैं कैंसिल करता हूँ. कैंसिल स्टार्ट All programs, games, one, okay, chess, titan, ये देखिए chess titan किया, chess open हो गया. game, new game against computer. Move further. Next. Four. Okay. Invalid move. So, आप देख रहे हैं कि ये मेरी वॉइस को वॉइस से कंट्रोल हो रहा है. अगर मैं इसको शट डाउन करना चाहता हूँ तो सिंपल बोलूँगा शट डाउन. तो डायरेक्टली ये एप्लीकेशन खुला हुआ है चेस तो शट डाउन नहीं हो सकता. अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ. कैंसिल गेम एग्जिट शट डाउन. तो डायरेक्टली शट डाउन नहीं होगा, उसके लिए आपको स्टार्ट लॉग ऑफ. तो ये प्रॉपर आवाज़ नहीं सुना है, नो गोल्फ लिख दिया है. तो जैसे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे आप इसको और थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं यहीं से राइट क्लिक करके
डिक्टेशन टॉपिक्स पे जाके और हेल्प इम्प्रूव स्पीच रिकग्निशन पे, तो इससे और ज़्यादा अच्छे से आपकी ये बात सुन पाएगा। तो एक बहुत ही मतलब मज़ेदार एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने कंप्यूटर को अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं भी घूम रहे हो कमरे में, आप जस्ट बोलेंगे स्टार्ट तो आपका सिस्टम स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। आप कोई प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो सिंपली बोलेंगे, प्रोग्राम का नाम लेंगे या ऑल प्रोग्राम्स, तो ऑल प्रोग्राम्स खुल जाएंगे। सो देखा आपने कैसे स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कैसे कॉन्फिगर करते हैं। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।